नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मोतीपुर में एस्कॉर्ट वाहन में यात्री बस ने मारी ठोकर, घायल दरोगा की अस्पताल में मौत, 3 पुलिस कर्मियों की हालत नाजुक। मैट्रिक परीक्षा के पहली पाली शुरू होने से पहले ही सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हुआ वायरल, अधिकारियों में मची खलबली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता सरकार पर भरोसा रखे, हम जल्द ही पाकिस्तान को उसी के भाषा में करारा जवाब देंगे। और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर चौक के समीप NH 28 पर एक बस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर के स्कॉट वाहन में ठोकर मार दी। इस हादसे में एक दरोगा की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मोतीपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर चौक के समीप पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर के स्कॉट की गाड़ी एक यात्री बस से टकरा गई। इस हादसे में स्कॉट वाहन पर सवार एक SI रतन चौधरी की मौत हो गई, वहीं 3 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के एक पुलिस कर्मी की हालत नाजुक बताई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मोतीपुर थाना पुलिस के साथ जिला मुख्यालय के कई पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घायलों को आनन फानन में उठाकर इलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच CT SP अशोक कुमार, नगर DSP मुकुल रंजन भी प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे तथा घायल जवानों की सुधि ली। उधर पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाली यात्री बस को जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री CP ठाकुर को स्कॉट पार्टी मुजफ्फरपुर मोतिहारी बॉर्डर तक छोड़कर वापस मुजफ्फरपुर लौटने के लिए मोतीपुर काली मंदिर चौक के समीप गाड़ी मोड़ रही थी। इसी क्रम में मोतिहारी से पटना जा रही सीत वसंत नामक यात्री बस ने स्कॉट गाड़ी में ठोकर मार दी। इस हादसे में स्कॉट वाहन का चालक गुड्डू राय, होमगार्ड जवान सुरेंद्र झा और ललन सिंह तथा SI रतन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान ही SI रतन चौधरी की मौत हो गई। वहीं होमगार्ड जवान सुरेंद्र झा की हालत गंभीर बनी हुई है। एस्कॉर्ट ले जाने के क्रम में मोतीपुर जा रही थी मोतीपुर, देखिए आज एस्कॉर्ट ले जाने के क्रम में जो यहाँ से मुजफ्फरपुर से जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी वो उसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की स्थिति काफ़ी गंभीर है। उनको अभी हम लोग SKMC से भर्ती कराया हुआ है। उनका सारा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर से लगातार संपर्क करके, और 2 की स्थिति अभी ठीक है। वो अभी मोतीपुर में ही PSA में है, उनकी स्थिति अभी ठीक है। दोनों की स्थिति हम लोग भी देख रहे हैं। पहचान कैसे है सर? एक सब इंस्पेक्टर हैं उसमें परानी, और बाकी 3 पुलिसकर्मी है। घटना स्कॉट ले जाने के क्रम में हुई है, पर किसी ने बताया है कि अभी बस से कुछ ठोकर लग गई है, उसी कारण से घटना घटी है। बट अभी जब तक हम लोग इसका तहकीकात नहीं कर पाएंगे, इस पर विशेष कुछ करना भी मुश्किल होगा। अभी तक तो यही बात कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग ने इस पर तहकीकात करने, पहले हम लोग इस पर लगे हुए हैं कि इनकी जो घायल है उनकी स्थिति पहले ठीक ठाक हो जाए, उस पर सारा फोर्स सारा केंद्रित हम लोग इस पर लगे हुए हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु नगर में ऑटो चालक ने पुत्री को परीक्षा दिलाने जा रहे एक व्यक्ति के बाइक में ठोकर मार दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु नगर में एक ऑटो चालक ने बाइक में ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार पिता जो अपनी पुत्री को मैट्रिक की परीक्षा दिलाने के लिए सेंटर पर लेकर जा रहे थे और दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायल पिता और पुत्री का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया। इसके बाद पिता ने अपनी पुत्री को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। जा रहे थे, सेंटर पे जा रहे हैं। आपका परिचय? नाम? मेरा नाम हुआ राम बली सा। किसका एग्जाम था? बच्ची का था, बेटी का। शनिवार को मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली शुरू होने से पहले ही सोशल साइंस का प्रश्न पत्र वायरल होने लगा। शनिवार को मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली में ही सोशल साइंस का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही 8:55 पर
प्रश्न पत्र लीक होते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रश्न पत्र वायरल होने के साथ ही सिटी न्यूज की टीम इस संबंध में परीक्षा केंद्र पर जाकर मामले की तहकीकात की। कदाचार मुक्त परीक्षाओं की तमाम दावों के बीच सुरक्षा का पोल खुल गई है। सुबह से ही मैट्रिक की क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं जीडी मदर के पास, यहाँ भी सेंटर पड़े थे। यहाँ जो छात्र अभी एग्जाम देकर निकले उनसे जानते हैं क्या उनकी राय है इस लीक पेपर। सर क्या सबसे पहले क्या कहेंगे आप, एक परीक्षार्थी हैं जो जैसे व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, क्या कहना है? सर हम लोग यही कहना है कि एक घंटा पहले ही क्वेश्चन लीक हो चुका था। हमारे रूम में एक बच्चा बैठा था, वो दसवीं मिनट में भर उठ गया, पूरा रेडी था। हम बोले क्या कैसे बनाया था, वो बोला था कि हमको एक घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ गया था, वो लोग मिल गया लिख लिया। अच्छा, तो इसका 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 असर आप लोगों पे क्या पड़ेगा? सर हम लोग का असर यही पड़ेगा कि हम लोग इतना मेहनत से साल भर तैयारी किए, हम लोग का कम नंबर आएगा, हम लोग का ज़्यादा नंबर आएगा। मेरे साथ कुछ और विद्यार्थी हैं, उनसे जानते हैं क्या असर पड़ेगा उन पे। सर इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्वेश्चन को लीक होने से बचाना होगा, तभी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनका भविष्य बन पाएगा। तो क्या इसका असर जो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, आप लोग एक साल पूरे तैयारी करके जो नहीं तैयारी करे, आपके क्या असर? हम लोग तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसके लिए सरकार को भी ठीक से चेक करेगी और जो क्वेश्चन लीक हुआ फिर से एग्जाम लिया जाए। सरकार से क्या मांग करने जाएंगे अभी? सरकार से फिर से एग्जाम हो और क्वेश्चन लीक होने से बचा जाए। तो आपने देखा कि विद्यार्थी किस तरीके से अपनी राय को प्रकट की है। इस संबंध में जब विभागीय अधिकारियों से बात की गई तो प्रश्न लीक मामले में विभागीय अधिकारी अपने ही बयान से कटघरे में घिरते नजर आए। परीक्षा में जो कॉपी वायरल हो रहा था उस पे देखना है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। जो मामला सामने आया है वो हमें पता चला, आरडीडी सर जो बताए कि व्हाट्सएप पे वो जो है एक मैटर जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन आउट होने का, तो इस संबंध में उनको मतलब कि अभी तक तो हमें कोई जानकारी नहीं है। इस पर फिर हम मतलब और दूसरे अति से भी हम स्तर से इस पर हम अपना हाथ कर रहे हैं छानबीन। तो आगे कार्रवाई क्या होगी मैडम? आगे यदि ये सही पाया जाएगा कहीं ये होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। मैडम फर्स्ट सीटिंग से भरा है तो अभी तक आपको संज्ञान में नहीं आया मामला? नहीं अभी तक तो नहीं आया था। फर्स्ट सीटिंग का भरा था 15 मिनट बाद बच्चा बोल रहा है कि जो आ गया है व्हाट्सएप पे, फिर सेकंड सीटिंग में भी वायरल हुआ है, तो अभी तक इतना समय बीत जाने का परीक्षा भी समाप्त हो गया, आपको संज्ञान में नहीं आया? नहीं संज्ञान में आई जब चूंकि वो जिस पे आया था ठीक है व्हाट्सएप पे वो दूसरा नंबर है वो सर बताए, तो उसके बाद हम लोग कहते कि तो ये बात सही है कि दोनों सीटिंग में ही, और वो जो है उस समय आउट दिखा रहा है जब क्वेश्चन पैकेट जो खोलता है उस समय का टाइमिंग दिखा रहा है, 8:55 का टाइम दिखा रहा है, और सेकेंड वाला भी वही खुलने का ही टाइम जो है उसमें दिखा रहा है। तो जब पता चला तो फिर इस बीच में आप जांच नहीं किए या आपके अधिकारी जांच नहीं किए? अब इसमें अब कहने का मतलब उसमें तो यही हुआ कि जब हम कहे कि जब मिलान करके यदि सही होगा तब सही अति होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। दोनों सिटिंग का परीक्षा समाप्त हो चुका, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि यहाँ क्वेश्चन सही में सही है या गलत है, सुबह का ही मामला है। उस पर हम अति कर रहे हैं, जैसे अति होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़। शुक्रवार की मध्य रात्रि राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुजफ्फरपुर पहुंच गए और कई थाने का औचक निरीक्षण किया। शुक्रवार की आधी रात को राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक मुजफ्फरपुर पहुंचे और रात को ही उन्होंने कई थाने का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में आते ही डीजीपी सबसे पहले सदर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने कांड दैनिकी का निरीक्षण किया। स्टेशन डायरी अपडेट रहने पर पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद काजी मोहम्मदपुर थाना के औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों के आराम फरमाते पकड़े जाने तथा स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रहने पर उन्होंने प्रभारी थाना अध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद डीजीपी मिथुनपुरा थाना भी गए, जहां उन्होंने स्टेशन डायरी सहित अन्य संचिकाओं की जांच की। डीजीपी ने नगर थाना का भी औचक निरीक्षण किया और पुलिस पदाधिकारियों से पूछताछ की। कई थाने का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने अपने काम के प्रति पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी का पाठ
पढ़ाते हुए कहा कि लापरवाह पदाधिकारी संभल जाए, वे कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो अभी 3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, उनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उनको मैंने माफ किया। और ऐसी गंभीर गड़बड़ी, मुझे संतोष का विषय ये है कि 2 थाना का मैंने अभी औचक निरीक्षण किया, यहाँ के मैंने एसपी डीआईजी आईजी किसी को नहीं बताया है, किसी को पता है। मैं अचानक उठा और उठता हूँ, चल देता हूँ कहीं भी। मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि थाना दैनिकी को जो मेरा आदेश था कि एकदम अद्यतन रखना है, तो मैंने टाउन थाना में भी देखा दैनिकी अद्यतन है, यहाँ भी देखा कि दैनिकी अद्यतन है। अगर थाना दैनिकी को थानेदार अद्यतन रखेंगे तो आधा शिकायत तो जनता के ऐसे ही दूर हो जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार पाकिस्तान को उसी के भाषा में करारा जवाब देंगे। देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना चाहिए, हम जल्द ही पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देंगे। ये बातें मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी वहां की 2019 में किए एक बार मोदी सरकार बनेगी और बिहार के 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जनता बढ़िया सजा देती है, जनता की अदालत में ऐसे नेताओं को जनता तय करती है कि इनका क्या करना है। और जिस तरह की भाषा आज लोग बोल रहे हैं, आज वक्त है पाकिस्तान को घेरने का कि अपने देश की सरकार को घेरने का। इतना भी संयम क्यों नहीं है कांग्रेस में? विपक्षी दल के नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं हमें सवाल पूछने का अधिकार है। जो लोग इतने साल हुकूमत में रहे उनको ध्यान होना चाहिए, जब 71 की लड़ाई हुई थी, जब पाकिस्तान से तनाव हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर खुलकर उस वक्त इंदिरा गांधी जी का साथ दिया था। क्या ये भी भूल गई कांग्रेस? सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी निभाना नहीं आता। नगर थाना क्षेत्र के अप्सरा मार्केट में शुक्रवार की रात हुई मारपीट मामले में पुलिस द्वारा दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दुकानदारों ने नगर थाना पर हंगामा किया। नगर थाना क्षेत्र के अप्सरा मार्केट में एक मोबाइल दुकानदार के साथ पार्किंग कर्मचारी द्वारा शुक्रवार को की गई बहस के साथ मारपीट मामले में पुलिस द्वारा शुक्रवार को शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित अप्सरा मार्केट के दुकानदारों ने शनिवार को नगर थाना के समक्ष जमकर हंगामा किया। मारा पीटी करने लगा, जो चोट लगा है, जो निशान है वो देखिए, डॉक्टर कन से आए कल सदन में, और यही सब हुआ है। चैन उन छीन लिया है, 5200 रुपया छीन लिया है, वही संजय नाम है, जान से मारने का धमकी देता है, हमेशा जान निकलना मुश्किल हो गया मुझे। कल के कुछ भी होता है स्टेट में, उसके जंगल वो पिलर वाले होंगे, वहाँ की A to Z लोग हैं जो हमको धमकी देते हैं, और जो दुकान में रहते हैं उसको सारे को धमकी देते हैं। ऐसा क्यों अन्याय क्यों किया जाता है? पार्किंग बनाई गई है सिर्फ गाड़ी के लिए, रंगदारी के लिए नहीं। यहाँ रंगदारी किया जाता है सबका, सब दुकानदार वहाँ, यहाँ मेरे दुकानदार सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ बाहर के लोग सब सिर्फ उसी का सपोर्ट करते हैं, वो मोहल्ले के हैं, वो मोहल्ले के नहीं है, इसलिए हम लोग के सपोर्ट में मोहल्ले के नहीं है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे संवर्ग डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने बैठक कर 25 फरवरी से बेमियादी कार्य बहिष्कार आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संवर्ग डिग्री कॉलेज शिक्षक कर्मचारी संचालन समिति के सदस्यों ने शनिवार को BRA अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अतिथि गृह परिसर में आपात बैठक कर विश्वविद्यालय प्रशासन पर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा देने तथा नियम शर्तों के विपरीत 27 फरवरी को विश्वविद्यालय में छदम दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का आरोप लगाते हुए कुलाधिपति सह राज्यपाल को दीक्षांत समारोह में भाग नहीं लेने का अनुरोध किया है। संचालन समिति के सदस्यों ने सैकड़ों शिक्षकों के हस्ताक्षर युक्त पोस्ट कार्ड राज्यपाल को भेजकर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों पर लगाए गए विभिन्न आरोपों की जाँच कराने की भी मांग कुलाधिपति से की है। साथ ही बैठक में संचालन समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर भ्रष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ 23 फरवरी से प्रतिदिन मशाल जुलूस निकालने, 25 फरवरी से
विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार सह धरना आंदोलन शुरू करने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को त्राहिमाम संदेश भेजने का निर्णय लिया है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग संबद्ध महाविद्यालय को अधिग्रहण करने के लिए और 7 वर्ष का बकाया अनुदान का राशि एक मुश्त भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालय में द्वयम दर्जा का जो व्यवहार संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों के साथ किया जाता है उसे दूर करने के लिए दिनांक 25 फरवरी 2019 से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार का आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक पोस्टकार्ड रैली आयोजित किए हैं जो सभी शिक्षकों के द्वारा एक एक पोस्टकार्ड भेज करके पोल खोलो पोस्टकार्ड रैली के माध्यम से महामहिम को इस विश्वविद्यालय के कुव्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर पोल खोलना है और उन्हें इस छद्म दीक्षांत समारोह में नहीं आने के लिए आग्रह करना है। 3 मार्च को आयोजित संकल्प रैली में व्यवसायियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर नगर विकास मंत्री ने गोला रोड में बैठक की। मुजफ्फरपुर के अयोध्या प्रसाद के प्रतिष्ठान गोला रोड में आयोजित आज जनता पार्टी गरीबनाथ मंडल की बैठक में नगर आवास एवं विकास विभाग मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने व्यवसायी वर्ग के लोगों के साथ पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आहूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प यात्रा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए मोदी सरकार की बाजुओं को मजबूती प्रदान करने की बात कही। उन्होंने शहर में बीजेपी के बढ़ते कद में अयोध्या बाबू का बहुत बड़ा योगदान बताया। मंत्री श्री शर्मा ने व्यवसायियों के साथ संकल्प लेते हुए कहा कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे। उन्होंने उपस्थित व्यवसायियों से कहा कि क्यों एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी की तैयारी गांधी में 3 तारीख को जो नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता और शहर की जनता, पूरी जनता तैयार है और उनके लिए समस्या है कि वाहन का इंतजाम भी किया जा रहा है, खुद लोग अपने संसाधनों से तैयारी कर रहे हैं और अपार भीड़ के साथ, अपार संख्या के साथ यहाँ के सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी के भाषण सुनने के लिए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने के लिए, उनको दोबारा गद्दी पर बैठाने के लिए संकल्प रैली में पहुंचेंगे। जिला परिषद सभागार में पुलवामा में शहीदों की स्मृति में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिषद कार्यालय के सभागार में पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए शहीद जवानों के लिए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, गायघाट की पूर्व विधायक वीना देवी समेत कई जिला परिषद सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि उन वीर सपूतों की आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उन वीर जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज इन्हीं के शहीदों के नाम हम लोग अपने जिला परिषद सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन वीर सपूतों के परिवार वालों को भगवान हिम्मत प्रदान करे और उन लोगों के आत्मा की शांति प्रदान करे। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा,
सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अलियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463883900687392853985777। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 10th, स्कॉलरशिप अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट।
लिमिटेड सीट अवेलेबल। सीबीएसई करिकुलम नर्सरी टू क्लास 10th मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल जेल चौक मुजफ्फरपुर बिहार। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आया है जेई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेई मेन 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स, इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। दिस स्कूल प्रोवाइड्स अ गुड गाइडेंस
एंड हेल्दी एजुकेशन टू बिल्ड द गोल्डन कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स. बिसाइड प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन वी फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. फ्रॉम वेरी बिगनिंग वी एम्फेसाइज देयर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिक्लामेशन, एक्सटेम्पोर, क्विज एंड मेनी मोर, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 9332770099. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है. शॉर्टकट रास्ता अपनाने के चक्कर में सेफू ढाव मोहल्ले के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के रास्ते आना जाना करते हैं. अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा ढाव में बसे लोग प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर बूढ़ी गंडक नदी पार कर आना जाना करते हैं. शेखपुरा ढाव मोहल्ले में जाने के लिए रास्ता है, परंतु मोहल्ले के लोग अधिक दूरी के सुगम रास्ते को न अपनाकर शॉर्टकट के चक्कर में जान पर खेल कर नदी पार कर आना जाना करते हैं. पुल बगल में है और नदी से आते जाते हैं नाव पे चढ़ के और जान जोखिम में डालते हैं. इससे अच्छा है सो पुल से ही आए, और जैसे नाव प्रतिबंध है तो इस पे प्रतिबंध लगा होना चाहिए. खाक संघ द्वारा बेला में संचालित लेजर थेरेपी सभी तरह के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है. लो लेवल चिकित्सा थेरेपी का प्रचलन पूरे विश्व में चलन में आ रहा है, जिसके तहत अनेकों बीमारियों का इलाज कम से कम समयों में आसानी से हो जाता है और इसका हमारे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है. इसी क्रम में खाक संघ की लो लेवल चिकित्सा थेरेपी के द्वारा मुजफ्फरपुर वासी इसका लाभ उठा रहे हैं. दरअसल बेला रोड स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में पिछले 3 वर्षों से खाक संघ संस्था द्वारा लोगों को निःशुल्क लो लेवल लेजर थेरेपी दी जा रही है, जिससे आम लोगों को विभिन्न बीमारियों में काफी फायदा हुआ है. बेला रोड निवासी संजय कुमार अपने पांव के दर्द से कई महीनों से परेशान थे. इसको लेकर कई डॉक्टरों से मिले भी और इलाज के दौरान 25,000 रुपए भी खर्च किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ. 20 दिन पूर्व ही खाक संघ में आए थे और 50% फायदा अभी तक हो चुका है. मेरी बीमारी थी कि मेरे पैर में मसल में काफी पेन था, इसके चलते न तो मैं खड़ा हो पाता था, न सोने के बाद करवट बदल पाता था, न बाथरूम में जा पाता था. इतना दर्द था कि मैं बप बप कर रहा था. मैंने शुरू में ट्रीटमेंट कराया इसी मोहल्ला में डॉक्टर प्रेम वर्धन के यहाँ. लोगों ने सोचा कि मजाक में कि ये ठंडा लग गया है, वो ठंडा का ट्रीटमेंट करने लगे. फिर मैं प्रेम वर्धन के यहाँ उनके यहाँ गया, रतन रंजन के यहाँ, उन्होंने भी कहा कि ये ठंडा लग गया है. लेकिन जब मैं दीपक कुमार मिश्रा से मिला मेहदी हसन चौक पर करीब 20 दिन बाद, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नस दब गया, इसके चलते रेफर पेन है. लेकिन उनकी दवा भी 10 दिन खाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ. तब मैं पटना गया. पटना जाने के बाद डॉक्टर एनएन राय से मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं है, मसल पेन है. वहाँ पर एमआरआई हुआ मेरा, इस मसल वाले पोर्शन का अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर सारा ब्लड टेस्ट हुआ, तो वहाँ से पता चला कि थोड़ा ये थायराइड बढ़ा हुआ है, जिसके चलते दवा उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है. वैसे ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में था मुजफ्फरपुर में. फिर वो सारा रिपोर्ट लेकर के मैं मुजफ्फरपुर के डॉक्टर बीके मिश्रा के यहाँ दिखवाया मेहदी हसन चौक पर, और वो जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी दवा भी मैं खा रहा हूँ. और 15 दिन उन्होंने कहा कि आप इसकी सिकवाई कराइए, तो मैं यहाँ लेजर में आ रहा हूँ. आज 15वां दिन मेरा है आने पर. इससे कितने पैसे खर्च कर चुके थे यहाँ? नहीं वहाँ. अच्छा अच्छा, वहाँ 20-25 हजार रुपया तो खर्च हो ही चुके. सारा ट्रीटमेंट एमआरआई कराने में ही 6,500 रुपया तो वही लग जाता है. ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, 2-2 बार ब्लड टेस्ट, फिर यहाँ 2-2 बार एक्सरे, सारा करा के 20,000 का तो मैंने टेस्ट करवाया होगा, और 5,000 की दवा भी मैं खा गया होगा. लेकिन लेजर थेरेपी में आने के बाद से फर्स्ट डे जब मैं आया, उसी दिन हमें लगा कि कुछ बेटर फील कर रहे हैं, समथिंग जस्ट. इसके बाद धीरे धीरे, शुरू में तो 10 दिन में तो लग रहा था कि 40-45% ठीक हो गया, लेकिन फिर 3-4 दिन लगा कि स्टैग्नेशन हो गया.
लेकिन आज फिर मुझे लग रहा है कि आज से फिर मेरा बेटर पोजिशन हो रहा है। मतलब पहले मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। 15 दिनों में आपकी बीमारी 50%? हाँ, 15 दिनों में 50% कम। और यहाँ मतलब जो निःशुल्क ये हो रहा है? हाँ, यहाँ पर कोई चार्जिंग नहीं है। ये लोग एक एक डेढ़ घंटा जिसको जैसी जरूरत है वैसा ही लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वही इस संस्था के एरिया मैनेजर ने बताया कि यहाँ निःशुल्क इलाज की जाती है और अभी तक हजारों लोग यहाँ आए हैं जिन्हें कई बीमारियाँ थी और ठीक भी हुई है। ये हमारी संस्था, ये जो हमारी कंपनी है, आज भागदौड़ की जिंदगी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर है, पीपी है, थायराइड है, गठिया है, सटका है, लिवर है, किडनी, हार्ट, माइग्रेन, साइनस, बहुत सारी बीमारियाँ से आज ग्रसित है और लगभग तेजी से ये बीमारियाँ बढ़ रही है और हर कोई अपने बीमारियों के ऊपर, उतने पैसे वाले नहीं है जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करके अपनी जिंदगी को बचा ले, तो आज भागदौड़ की जिंदगी में हर लोग बीमार तो पड़ रहे हैं। हमारी कंपनी सबको देखते हुए कि जो गरीब से गरीब है, जो अमीर है, जो हर जगह आज इलाज करा के थक गए हैं, उन सबकी बीमारियाँ जो है यहाँ पे ला करके, यहाँ पे आकर वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमारी कंपनी, जो गरीब से गरीब भी हो, जो अमीर से अमीर भी हो, जो हर जगह से थक गए हैं, वो सब तरह के लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी, ताकि सबकी बीमारी ठीक हो और सब लोग स्वस्थ हो। अभी कितने महीने हो चुके हैं यहाँ थेरेपी के? यहाँ पे हमारी थेरेपी के अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं, ये 4th साल हो रहे हैं। कितने मरीजों को इस पीरियड में आपने मतलब यहाँ से ठीक होकर जा चुके? यहाँ पे हजारों ऐसे फैमिली है जो आकर के अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं और अभी भी सैकड़ों ऐसे अंकल आंटी आते हैं रोज, जो अपनी बीमारियों को लेकर के और आज ठीक हो रहे हैं। 3 मार्च को आयोजित होने वाली संकल्प रैली सफलता को लेकर लोजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की। 3 मार्च को पटना गांधी मैदान में होने वाली NDA की सकल रैली की सफलता को लेकर लोजपा कार्यकर्ता ने शनिवार को जूरन छपरा स्थित वसंत विहार सभागार में बैठक की। लोजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोजपा नेताओं ने कहा कि 3 मार्च की रैली में मुजफ्फरपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेने जाएंगे। गांधी मैदान में NDA का बहुत विशाल रैली होने जा रहा है, इसका नाम दिया गया संकल्प रैली। संकल्प रैली की तैयारी में मुजफ्फरपुर जिला का, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का क्या भागीदारी होगा उसको सुनिश्चित करने के लिए आज का बैठक। क्या आगे क्या रहेगी, जैसे लोकसभा चुनाव आ रही है उसको लेकर के पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। पिछले बार भी हम वैशाली लोकसभा चुनाव जीते थे, इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वैशाली में हमारा मजबूत स्थिति है और उस पर तमाम साथियों से विचार लिया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको क्या किया जाए, और इसी संदर्भ में बात हो रही है और रैली के संबंध में। पिछले बार जो आपके कैंडिडेट तो इस बार बागी तेवर में, तो क्या उनको टिकट? देखिए, बागी हैं या नहीं, जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं, पार्टी उनके टिकट देने पर विचार नहीं कर रही है। चुनाव की प्रक्रिया बदलने की मांग को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा 26 मार्च को जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इमलीचट्टी स्थित होटल बसंत विहार में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का अवमानना कर रही है। इसके लेकर आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रही है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने EVM के संदर्भ में जो जजमेंट दिया, चुनाव आयोग उस पर अमल नहीं कर रही। 8 अक्टूबर 2013 के बाद 14 का लोकसभा चुनाव गया, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, अभी 19 का चुनाव होने जा रहा है, अभी VVPAT मशीन लागू होने जा रही है, मगर उससे निकलने वाली जो मत पत्र है उसकी गिनती ही नहीं होगी तो EVM का घोटाला पकड़ में कैसे आएगा। इस मुद्दे को लेकर हम लोग राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय बामन मेश्राम साहब के आह्वान पर 31 राज्य के 550 जिला में जेल भरो आंदोलन 26 फरवरी को करने जा रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। आज के डेट में भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, क्योंकि जब मौलिक अधिकार का ही रक्षा नहीं हो पाएगा तो संविधान और लोकतंत्र तो खतरे में होगा ही। ये एक मुद्दा है ईवीएम से रिलेटेड। दूसरा मुद्दा है कि 10% आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन है ये असंवैधानिक है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पुरानी बाजार नाका के समीप मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया।
पुरानी बाजार नाका के निकट भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों आम लोगों को मोदी सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल का फीडबैक लिया। इस दौरान आम लोगों से पोस्ट कार्ड पे अपनी राय भी लिखवाई, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी अपनी राय दी। कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ आज जितने भी पोस्ट कार्ड भरवाए गए हैं उन्हें मोदी सरकार तक भेजा जाएगा। नाका पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर के द्वारा भारत के मन की बात का कार्यक्रम रखा गया। इस भारत की मन की बात के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुझाव मांगे हैं आम जनता से कि उनकी क्या समस्याएं हैं या भारत को भारत में बड़ा परिवर्तन करने के लिए हमारी जनता का क्या सोच है, इस चीज़ को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है और जो भी समस्याएं होंगी जनता की इस पर विचार किया जाएगा। आमगोला के ओरिएंट क्लब के समीप स्थित ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम के सफलता के 1 वर्ष पूरा होने पर वार्षिक सालगिरह मनाया गया। ओरिएंट क्लब रोड स्थित ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम ने अपनी सफलता के 1 वर्ष पूरे किए हैं। अपने इस सफलता को लेकर शोरूम में वर्षगांठ का आयोजन किया। इस दौरान केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। इस मौके पर शोरूम के ग्राहक भी शामिल हुए। ब्लू स्टार शोरूम के प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि 1 वर्ष में काफी लोग ब्लू स्टार से जुड़े हैं और वे लोग काफी संतुष्ट हैं। हमारी एक प्रतिष्ठान है यू इंटरप्राइजेज, ब्लू स्टार का एक्सक्लूसिव शोरूम है जिसने पहला वर्षगांठ आज मनाया है और पूरे 1 साल में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रोडक्ट भी है और कोई कंप्लेन नहीं है। इस कारण से हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छा उसके माध्यम से रिस्पॉन्स मिला। चाहते हैं कि आगे भी इस तरह का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता रहे और हम लोगों की सेवा करते रहें। कुढ़नी के तुर्की में संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के तुर्की प्रखंड में संत निरंकारी मंडल ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कुढ़नी के विधायक केदार गुप्ता समेत सैकड़ों गांव के लोग शामिल हुए। अभियान के दौरान पूरे तुर्की प्रखंड की साफ सफाई की गई, साथ ही आम लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। इसके अलावा तुर्की प्रखंड कार्यालय परिसर में कुढ़नी विधायक वीडियो तथा कई लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में शामिल होने आए कुढ़नी विधायक ने कहा कि आज हर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक होने की जरूरत है, तभी समाज स्वच्छ बन पाएगा। ब्लॉक के तुर्की प्रखंड कार्यालय पर निरंकारी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान अभी हर इंसान के लिए स्वच्छता जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और अपने देश में नहीं दुनिया में इसको जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस चैरिटेबल के द्वारा यह वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। शरीर के लिए, इंसान के लिए जितना भी जो संस्था चल रहा है या देश का व्यवस्था हो, चाहे कोई निरंकारी जैसे साधु महात्मा हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इंसान कैसे ठीक रह सके और इंसान को ठीक रखने के लिए हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ मानसिकता होगा तभी अब स्वच्छ रहेगा, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। चाहे वो बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हो, राजनीति करने वाले लोग हो, वीडियो साहब जैसे अधिकारी हो, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बढ़िया से काम नहीं कर सकते। हम एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। वही तुर्की प्रखंड के वीडियो ने कहा कि संत निरंकारी मंडल द्वारा यह पहल काफी लाभदायक है। का जो आयोजन किया गया है संत निरंकारी मंडल के द्वारा, वह निश्चित रूप से एक पहल है जो आगे पहले से हम लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी अभियान चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें कुढ़नी हमारा कहीं भी पीछे नहीं है। और ये जो इनको संत निरंकारी मंडल को भारत सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे कुढ़नी के लिए भी। और ये आए दिन इनके तहत साफ सफाई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम चलते रहते हैं और उसी का ये हिस्सा है। आज भी इन्होंने पूरे प्रखंड परिसर को इनके जो भी सदस्यगण हैं उनके द्वारा साफ सफाई किया गया। न केवल साफ सफाई बल्कि एक संदेश भी दिया गया कि हर गांव, टोले, मोहल्ले, पंचायत में अपने
साफ सफाई को बनाए रखना है ताकि हमारा तन मन और समाज एकदम साफ है, स्वस्थ रहे। और एक संदेश यहाँ से भी जाए कि कुढ़नी भी अपने जिले में, अपने राज्य में साफ सफाई को लेकर के बिल्कुल सजग है और एक एक नागरिक इसका मतलब आयोजन कर रहे हैं। संत निरंकारी मंडल ब्रांच तुर्की, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन भी इसके तहत आता है। आज 23 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में पूर्व हमारे जो निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर एक गुरु पूजा दिवस के रूप में हम लोग के सतगुरु का अभी जो वर्तमान सतगुरु माता श्री दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज है, उनके आदेश है कि दुनिया में अंदर और बाहर दोनों जगह गंदगी है, उसको साफ करने का तरीका है कि अंदर का साफ ब्रह्म ज्ञान देकर के सफाई कर रहे हैं और बाहर जो हम अभी आप रूप देखा है इसको सफाई करके और वृक्ष लगा करके ये बाहरी जो वातावरण है, अंदर का प्रदूषण और बाहर का प्रदूषण दोनों खत्म हो, यही निरंकारी मिशन का ये अभियान कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? यह अभियान पूरे भारत वर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो इसका ब्रांच है, लगभग 27 देशों से ऊपर देशों में इसका ब्रांच चल रहा है। सभी जगह आज के दिन सफाई अभियान और वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।